नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में बचे हुए जितने भी लाइफ पाथ नंबर्स हैं 4 से लेकर 9 तक, सभी की बात इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा जिससे आप अपने लाइफ पाथ को अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ साथ अपनी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि कैसा आपका मैंने बताया है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होते हैं। और बार बार मेरे से एक ही बात जो है वो कही जा रही है कि प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए। तो मैं बचे हुए जितने भी हैं 4 से लेकर 9 तक, उनको मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। देखिए, 4 नंबर की पहले बात करेंगे। 4 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं और उनकी जो सोच होती है वो कुछ नई होती है और अपने धुन के वो पक्के होते हैं और काफ़ी हद तक अपने रफ्तार जो होती है उनकी वो थोड़ी सी फैक्ट फाइंडिंग वाली होती है, थोड़ी रफ्तार उनकी धीमी देखी जाती है। और एक बार अगर वो निर्णय कर लें तो काम करके पूरा छोड़ते हैं। देखिए, ये जो ज़रूरतें होती हैं इनकी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर इनके जीवन साथी के हम बारे में बात करें तो प्रायः ये कहा जाता है कि जो 4 नंबर वाले हैं वो इतने ज़्यादा रोमांटिक किस्म के नहीं होते। वे वैसे प्रेमी नहीं होते जो सरप्राइज़ प्लान करें या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करें। ये बहुत सीधे साधे जेंटल किस्म के लोग होते हैं और जो रियलिटी होती है लाइफ की उसके साथ ये परसिस्ट करते हैं, यानी कि उसके साथ रहते हैं। इनका प्यार बिल्कुल शो ऑफ वाला नहीं होता। ये अपने जो प्यार है उसको बहुत वास्तविकता से रखते हैं, साथ साथ रिलेशनशिप को बहुत गंभीरता से लेकर चलते हैं और उनके बारीक से बारीक चीज़ों को ही निभाते हुए चलते हैं। ये एक ही फिक्स्ड रिलेशनशिप में रहते हैं जो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये टाइम पास बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपने रिश्ते को बहुत शिद्दत के साथ निभाते हैं। वहीं भाग्यांक 4 वालों की 8 के साथ और 1 के साथ अच्छी पड़ती है और 8 के साथ इनकी जो स्थिति होती है वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलती है और इनका जो जीवन होता है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ भाग्यांक 5 यानी कि लाइफ पाथ नंबर 5 की। ये काफ़ी हद तक आसमां में उड़ने वाले लोग होते हैं और स्वतंत्रता इनके अंदर होती है। बुध से ये रिलेट करते हैं, या कि बुध इनका 5 नंबर जो होता है बुध का रहता है और भाग्यांक 5 वाले जो होते हैं वो कई बार बेचैन किस्म के भी देखे जाते हैं। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो परिवर्तनशील भी कहलाए जाते हैं। इनको रोमांच बहुत पसंद होता है, दूसरे को खुश करना, दूसरे के साथ घुलपल के रहना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इनकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो इन्हें धन और आकर्षण दो एक ऐसी चीज़ होती है जो इन्हें हमेशा आकर्षित करती हैं। तो अगर कोई सामने वाला व्यक्ति या महिला आकर्षण है उसके अंदर, तो काफ़ी हद तक ये उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। अगर खुद की बात करूं तो रोमांस के मामले में थोड़े से शर्मीले देखे जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक रोमांटिक होते हैं। सीरियस रिलेशनशिप में रहना इन्हें ज़्यादा नहीं भाता है। ये काफ़ी हद तक फ्लर्ट किस्म के लोग भी मैं कह सकता हूं। इनको अगर आप बांध के रखेंगे रिलेशनशिप में तो मुश्किल होगा, इनको आपको आज़ादी देनी पड़ेगी। ये किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में बनते हैं तो इनकी आज़ादी छिन जाती है। भाग्यांक 5 वाले जो जातक होते हैं उनको अच्छा जीवन साथी वही पसंद आता है जो उनके सामने बिल्कुल अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख पाए। ऐसे जो लोग होते हैं वो जन्मजात किस्म के थोड़े से मैं कहूँगा कि थोड़े मतलब फ्रीडम पसंद होते हैं। तो अगर आप इनके साथ अपनी रिलेशनशिप को बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास अगर एक लाइफ पाथ नंबर है और 7 लाइफ पाथ नंबर है तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए बढ़िया रहेगा और आपकी जो ऊर्जा है उनके साथ मेल खाएगी। दोस्तों, 6 के बारे में बताऊँगा मैं आपको, लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो आप ज़रूर मेरे को बताएं। 6 नंबर वाले जो हैं वो शुक्र से रहते हैं और आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा होता है और दूसरों की देखभाल करने में भी काफ़ी हद तक बढ़िया रहते हैं। ये अपने करीबियों की मदद करते हैं। अंक 6 वाले जो होते हैं अच्छे सलाहकार होते हैं और अच्छी सलाहें देने के लिए ये काफ़ी मशहूर भी देखे जाते हैं। जीवनसाथी के बारे में बात करूँ तो निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं अपने साथी की, जीवन साथी की, साथ साथ प्रेम के मामलों में भी ये पूरा ध्यान रखते हैं। इनका प्रेम बिल्कुल माता पिता वाला होता है और किसी भी तरह से सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, ये हमेशा उस चीज़ में लगे रहते हैं। इस चक्कर में इनके खर्चे भी काफ़ी होते हैं और काफ़ी सजग रहते हैं अपने जीवन साथी को लेकर और सभी पहलुओं को बहुत ही बारीकी के साथ देखते हैं।
इनके साथ एक दो और नौ के जो जातक होते हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर जो है देखे जाते हैं। थोड़े से शर्मीले किस्म के भी थोड़े से देखे जाते हैं भाग्यांक वाले। देखिए भाग्यांक और मूलांक में अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ हम भाग्यांक की बात कर रहे हैं, और अगर आपसे भाग्यांक कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है आप वहाँ पर जाकर आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। सात नंबर वाले काफ़ी हद तक रहस्यमयी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और चुपचाप काम करने में माहिर होते हैं और काफ़ी तार्किक स्पष्टवादी और काफ़ी हद तक अद्वितीय होते हैं। इनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि एकांत प्रिय होते हैं, तो इसलिए कई बार इनका जो स्वभाव होता है वो बैरागी किस्म का भी यहाँ पर देखा जाता है। ये बहुत जल्दी दूसरों को भरोसा नहीं करते और इसीलिए कई बार इनको सेल्फ सेंटर्ड भी कहा जाता है। देखिए प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप में अपने साथी के साथ नहीं होते, जो कि मैंने शुरू में कहा कि अकेलापन थोड़ा सा महसूस करते हैं, और इन्हें नेचुरल ब्यूटी जो होती है आर्टिफिशियल ब्यूटी से ही हमेशा बसते हुए दिखाई देते हैं और ख़ुद को नेचर के करीब रखना पसंद करते हैं। जैसे मैंने पांच में कहा था कि फ्रीडम पसंद होते हैं, तो इनको भी फ्रीडम पसंद होते हैं। इनकी अपनी पसंद और नापसंद होती है विशेष, जिसके साथ मैच करने में कई बार लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। जीवन के पथ पर अगर हम देखें तो सात का जो है वो पाँच और तीन के साथ अच्छा रहता है, और क्योंकि तीन और पाँच ऐसे नंबर्स हैं जो काफ़ी हद तक इनको चुनौती भी देते हैं और इनके जीवन में वो एक्साइटमेंट लेकर आते हैं जिनकी इनको दरकार होती है। अगर ये अपने जीवन में एकांतवास को थोड़ा सा कम करें और थोड़ा सा घुलना मिलना स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि अंधविश्वास और आडंबर से ये हमेशा प्रायः दूर रहते हैं। अब बचे हुए दो की बात ज़रूर करूँगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। साथ साथ न्यूमरोलॉजी का जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ डेली का राशिफल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए शनि का नंबर है आठ नंबर, तो इनका जो व्यक्तित्व होता है थोड़ा असाधारण होता है, उसके साथ मैच करना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग इनकी चीज़ों को समझ नहीं पाते, पर्सनैलिटी को समझ नहीं पाते, इस वजह से तालमेल की कई बार कमी देखी जाती है, और थोड़े अतिवादी कह सकते हैं। और नकारात्मक पहलू भी यही होता है कि कई बार बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। वैसे तो शनि का नंबर है, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन कई बार नकारात्मक पहलू अगर मैं देखूं इनका, तो जो जीत की भूख होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा इन्हें परेशान करती है, इसलिए इनको कई बार बड़ी सफलता प्राप्त करने में भी समय लगता है, क्योंकि ये कई बार शॉर्टकट्स में भी चले जाते हैं। जो जातक इन्हें समझते हैं वो इनको बहुत अच्छे से डील भी करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में अपने चीज़ों को व्यक्त करना इन्हें उतना नहीं आता। ये खर्चा करके पटाने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से भावात्मक जो एक रिलेशनशिप होता है वो इनका नहीं बन पाता। एक साथी पर अधिक खर्च करने से ये उन्हें काफ़ी परेशान भी होते हैं, हालांकि बहुत सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं। अगर एक बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं तो उसका पीछा नहीं छोड़ते, और मजबूत इरादों से अपने प्रेमी को बहुत ही अच्छा ये प्यार भी देते हैं। रिलेशनशिप इनका टिकता तो है, लेकिन अगर ये अपने आप को थोड़ा सा अति उत्साही ना बनाएं, अति आत्मविश्वासी ना बनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पैसों की दम पर अगर आप किसी रिश्ते को लेकर चलते हैं तो स्थितियाँ बेहतर नहीं होती, ख़राब होती चली जाती हैं। दो और छः के साथ इनकी सबसे अच्छी जो है वो पड़ती हुई दिखाई देती है। अब जो लास्ट हमारा बचा है जो कि है हमारा नौ नंबर, उसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए स्वभाव की अगर हम बात करें तो बहुत अपने उत्तरदायित्वों को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, मेहनत और लगन के साथ कार्य को करते हैं, और जिससे सफलता भी काफ़ी हद तक प्राप्त होती है, और अच्छे तरीके से सौंदर्य के प्रति इनका लगाव यहाँ पर देखा जाता है। भाग्यांक नौ का जो सबसे अच्छा मैच रहता है वो सात और तीन के साथ रहता है, काफ़ी बढ़िया इनका जोड़ जो है वो देखने को मिलता है। नौ को अगर मैं देखूं, अगर जीवन साथी इनके हैं आप या प्रेमी हैं, तो ज़्यादा इनके विरोध मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो काफ़ी भड़क जाएंगे ये लोग। सही बात पे अगर आप विरोध करेंगे तो आपको फैक्ट देने पड़ते हैं, तो ये चीज़ दिखता है। और नौ नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत बाहर से आपको दिखाई देंगे बड़े कठोर से, और बड़े मतलब कि आप इनको प्रपोज करने भी जा रहे हैं तो बड़ा रूखा जवाब कई बार आपको देखने को मिलता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और प्रतिभावान होते हैं मैं ये कहूँगा, और अपने आगे किसी को ज़्यादा चलने नहीं देते किसी की। सजावट काफ़ी पसंद होती है, सलीके के लोग इन्हें पसंद होते हैं, और सौंदर्य के प्रति इनका काफ़ी लगाव होता है। तो देखिए चार से लेकर नौ तक मैंने आपको लाइफ पाथ नंबर के बारे में बताया।
आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट सीरीज़ आप कौन सी देखना चाहते हैं वो भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।